अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद असलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं जी रोडन एनक्लेव पे। रोडन एनक्लेव के साथ हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था इससे कुछ साल पहले, और लोकेशन का थोड़ा सा बता दूँ कि इसकी लोकेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी और बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन के दरमियान में है। राइट साइड पे इसके बिल्कुल अभी रिसेंट डेज में DHA4 का रिवर व्यू साउथ ब्लॉक लॉन्च हुआ है, जो इंस्टॉलमेंट्स पे प्लान है 3 साल का, और रिंग रोड का इंटरचेंज है इस सोसाइटी के पास, एक डायरेक्टली और दूसरा 500 मीटर के फासले पर एक इंटरचेंज अडियाला रोड पे है और दूसरा इंटरचेंज जो है वो चक्री रोड पे है। रिंग रोड का भी पिछले दिनों सुनने में आया है कि सर्वे कंप्लीट हो गया और काम स्टार्ट होने लगा है। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था इस सोसाइटी को जब ये सोसाइटी मार्केट में लॉन्च हुई थी, और अच्छी प्लॉट्स की बुकिंग इस सोसाइटी ने की। इतनी इनकी अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया। डेवलपमेंट की तरफ से इन लोगों ने रिटर्न में वो आप कह सकते हैं कि थ्रॉटल के साथ इन लोगों ने वो चीज़ें नहीं की, डेवलपमेंट ना होने के बराबर थी, डेवलपमेंट ज़ीरो भी कह सकते हैं। शुरू में साल गुजरा, 2 साल गुजरा, फिर इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की। रीसेंट कुछ मंथ से इन लोगों ने अपने तौर पे एक फुल थ्रॉटल के साथ डेवलपमेंट स्टार्ट की है जी। एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ से इन लोगों ने डेवलपमेंट स्टार्ट की है, लेकिन एज ऑफ नाउ भी लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये डेवलपमेंट उस थ्रॉटल से नहीं है जिस थ्रॉटल से लोगों की इनके अलॉटिस की एक्सपेक्टेशन थी। और डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने जो डेवलपमेंट स्टार्ट की है वो सिर्फ एग्जेक्टिव ब्लॉक में स्टार्ट की है, जनरल ब्लॉक में ये 3 ब्लॉक बेच चुके हैं, साथ ये फार्म हाउसेस बेच चुके हैं। एज पर द मैनेजमेंट ऑफ द रोडन एनक्लेव के जी, रिंग रोड की वजह से सेक्शन 4 और सेक्शन 5 लगा हुआ है, तो उस वजह से हम वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है सोसाइटी के लिए कि 3-4 ब्लॉक्स में डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी। सरचार्ज लगना स्टार्ट हो गया, फिर सरचार्ज के लिए इन लोगों ने डिस्काउंट्स दे दिए। अभी भी जो इन लोगों ने न्यू पॉलिसीज बनाई हैं उसमें भी इन लोगों ने बताया है कि मिनिमम आपने बेयर मिनिमम अमाउंट पे करनी है, तो आपकी जो फाइल्स हैं पुराने रेट्स पे रहेंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप बेयर मिनिमम मांग रहे हैं फाइल को नए रेट पे कन्वर्ट करने से पहले, या आप उसको कह रहे हैं कि जी आपको टाइम पर पोजेशन मिलेगी, 4 साल का पेमेंट प्लान था और मेरा ख्याल है काफी टाइम गुजर गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वापस आते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट की तरफ। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट अपनी तरफ से फुल जोरों शोर से कर रहे हैं, डे बाय डे ये मशीनरी जो है उसमें एडअप कर रहे हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे बिका था, जिसमें से आप कह सकते हैं 2 साल या 2.5 साल गुजरे हैं। तो 2-2.5 साल में इन लोगों ने रोड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी है, ब्लैक टॉप्स बन गई हैं, आगे स्ट्रीट्स की तरफ काम चल रहा है, सीवरेज का काम इनिशियल फेजेस जो शुरू का पैच है वहां पे कंप्लीट हो चुका है, और वी आर होपफुल कि ये 4 साल से पहले उसकी पोजेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। इन लोगों ने बैलेट 1 किया था, फिर बैलेट 2 15 सितंबर को करने जा रहे हैं। तो ये जो 2 बैलेट्स होंगे, इन 2 बैलेट्स में तो जो भी लोग आ जाएंगे प्रायोरिटी में लोगों को प्लॉट्स मिल जाएंगे। एज पर द मैनेजमेंट इनका इस साल के एंड तक या 2023 के स्टार्ट में उन प्लॉट्स की पोजीशन अनाउंस करने का प्लान है कि जी ये आपका प्लॉट है, ये आपके गली नंबर है, इफ यू वॉन्ट टू गेट द पोजेशन ऑफ योर प्लॉट तो आइए हमारे साथ बैठिए, ड्यूज क्लियर करिए और अपने प्लॉट पे पोजेशन लेके अपना घर बनाना शुरू करें। लोकेशन प्राइम है, डेवलपमेंट स्लो थी, फिर एक दो और पॉलिसीज भी दी हैं रोडन एनक्लेव की मैनेजमेंट ने। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपको अपडेट करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।